हाँ, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है जो कि संजीव दर्शन ने कंपोज किया है. उनके साथ मैंने पहले भी, मेरा जो पहला सॉन्ग था ग्रैंड मस्ती टाइटल ट्रैक, वो इनके साथ ही था मेरा. तो वी आर लाइक अ टीम, सो हम लोगों का ये साथ में वापस, हमने सत्या 2 में भी काम किया है. एंड काफ़ी, मतलब थोड़े टाइम के, थोड़ा लंबा ब्रेक हो गया अभी हम लोगों का, तो ये उसके बाद अभी हम लोग काम कर रहे हैं. सो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत अच्छा कंपोज किया है एंड मेलोडी इज़ सो ब्यूटीफुल. बहुत अच्छा सॉन्ग है और बहुत मज़ा आया गाने में, बहुत ज़्यादा. क्या प्रिपरेशन की थी आपने इस गाने को लेकर? प्रिपरेशन तो नहीं की थी एक्चुअली इतना, लाइक मैं आई तभी मुझे भैया ने बोला कि ये कॉम्पोजिशन है, तो सुना थोड़ा, उस गाने को जिया थोड़ी देर तक, उसके बाद रिकॉर्ड करना शुरू किया. तो आई रियली होप कि अच्छा गा सकी हूँ भैया कुछ, बताओ लाइक वो आप सब लोग बता सकते. अच्छा, बॉक्सिंग के ऊपर फिल्म है, उसके ऊपर गाना पिक्चराइज किया जाने वाला है, तो कितना आसान या मुश्किल था आपके लिए इस गाने को सिचुएशन? तो एक्चुअली बॉक्सिंग का है, बट ये जो गाने की सिचुएशन है दैट इज़ रोमांस बिटवीन द बॉय एंड द गर्ल, हीरो एंड द हीरोइन. सो मुझे वो हीरोइन को दिमाग में रखते हुए कि उनका एक्सप्रेशन क्या होगा, उनकी उस टाइम पे फीलिंग क्या होगी जो वो एक्सप्रेस करेंगी, तो मुझे उनको ध्यान में रख के, मतलब जैसे लिरिक्स है, बोल जो है ना संजीव चतुर्वेदी जी का है, बहुत अच्छा लिखा है. तो जैसे लिरिक्स जो मुझे बोल रहा है कि ये बहुत ही रोमांटिक है, ये एक फीलिंग है जो कि मतलब आपको मुझे भी एक्सप्रेस करना पड़ रहा है गाने में, तो वो बहुत ही अच्छा रोमांटिक है, तो इसलिए मैं वैसे ही एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ. अभी तक तो कुछ प्लानिंग है नहीं, फिलहाल थोड़ी सी बिजी चल रही हूँ, लेकिन होपफुली फैमिली के साथ ऑफकोर्स मैं सेलिब्रेट करना चाहूँगी, क्योंकि फैमिली है तो सब कुछ है. अच्छा, दो लाइनें अगर इस गाने की मुझे ऑडियंस के लिए. होली का फिर ये गाना, पहले ये गाना फिर होली के ऊपर भी एक गाना, ये गाना शायद से अभी थोड़ा चलेगा तो होली के ऊपर गा दे. होली आते जो आपको याद.